स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस OnePlus 11R मेरे पास आ चुका है, आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, साथ ही साथ इसका क्विक रिव्यू भी दूंगा कि ये फोन कैसा रहेगा आपके लिए 2024 में, क्योंकि ये फोन जो है वो 2023 में आया था। काफी फ्लैगशिप अच्छा फोन है ये प्राइस के हिसाब से, तो आज मैं इसका क्विक रिव्यू भी दूंगा कि आपको ये फोन 2024 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको दूसरे फोनों से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसको दबा दो एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर भी जरूर से कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अनबॉक्सिंग की बात करें तो वहाँ पे वही पुराना धुराना सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, सबको ही पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर 2 मिल जाएगा एंड साथ में कुछ आपको यहाँ पे पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, इनका रेड क्लब कार्ड देखने को मिल जाता है एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लियर केस देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद गाइस ये सारी चीज़ें तो फोकस करने वाली नहीं है, बट यहाँ पर जो ये 100 वाट का चार्जर आपको देखने को मिल रहा है गाइस, ये बहुत तगड़ा चीज़ है, यहाँ पर इस बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे तरीके से आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा, मतलब आपको मैं क्या ही बताऊँ। गाइस क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में ये, एंड यहाँ पर इसमें जो इसका जो फ्रेम दिया हुआ गाइस वो आपको यहाँ पर प्लास्टिक का देखने को स्टैंड पे मिल जाएगा, बट हाँ ये जो प्लास्टिक है गाइस वो बहुत बेकार नहीं है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर इस पर जल्दी स्क्रैच नहीं आएगा एंड यहाँ पे ये बिल्कुल देखने में मेटल लगता है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है देखने में यहाँ पे। तो गाइस फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस साइड यहाँ पे आपको राइट साइड पे देख सकते हो अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये यूज़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा फीचर है OnePlus का ये। एंड उसके नीचे आपको जस्ट आपको देख सकते हो यहाँ पर पावर बटन देखने को मिल जाता है, एंड लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम का आपको बटन देखने को मिल जाता है, जिसको आप प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर बैक की बात करें तो भाई साहब बैक आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर देखने में, एंड यहाँ पर गाइज इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ भी ये ले लेता है। तो यहाँ पर फ्रंट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है 6.74 इंचेस का, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है गाइज, ये कर्व डिस्प्ले होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है देखने में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके कैमरे मॉड्यूल की तो कैमरा मॉड्यूल आपको जो है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज जो इसका 50 मेगापिक्सल है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फोटोज खींच लेता है यहाँ पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहता है यहाँ पर, अगर नाइट मोड में भी आप खींचते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको जो है फोटोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसका जो 8 मेगापिक्सल है गाइस वो भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी मिड रेंज डिवाइस से तो मिड रेंज डिवाइस में जो 8 मेगापिक्सल होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे ये फ्लैगशिप फोन है तो इसका जो 8 मेगापिक्सल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे काम करता है, एंड यहाँ पर जो 2 मेगापिक्सल है तो वो भी यहाँ पे ठीक ठाक आपको काम कर देखने को मिल जाएगा। गाइज इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, तो यार 16 मेगापिक्सल अगर हम अगेन वहाँ मिड रेंज डिवाइस से अगर हम कंपेयर करें तो मिड रेंज डिवाइस के जो 16 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं अगर हम सेल्फी लेंगे और इसके फोन से अगर इसके 16 मेगापिक्सल से लेंगे तो यहाँ पर ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है गाइज, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये फ्लैगशिप डिवाइस है तो इसका जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करें इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले यार बहुत ही ज़्यादा इसका प्यारा देखने को मिलता है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको जो है 1.5K का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जैसे और फोनों में 2K डिस्प्ले होता है इसमें 1.5K डिस्प्ले है। इसका LTPO डिस्प्ले नहीं है बट इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 40Hz से 120Hz तक जाता है, उससे कुछ हद तक आपकी बैटरी जो है यहाँ पर सेव हो सकती है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाएगी, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, सारे आपके जो डे टू डे यूजेस हैं जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर देगा, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें चार्जर की तो गाइज यहाँ पर आपको जो है 100 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चार्ज आप फोन कर सकते हो, आप नहाने जा रहे हो और यहाँ पे फोन को चार्ज में लगा दिया और जब भी आप वापस आओगे तो आपका जो फोन है वो यहाँ पर अगर 10% है तो 60-70% यहाँ पे चार्जिंग हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है गाइज। यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर गाइज अभी यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 14 यहाँ पे अपडेट आया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको अपडेट किया बट ये बीटा वर्जन में था, स्टेबल वर्जन अभी नहीं आया है, बट यहाँ पर जो फोन के साथ आता है वो आता है एंड्रॉयड 13.1
यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 13.1 है वर्जन एंड जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 13 है। तो 13 के साथ ये रिलीज होता है एंड कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि इसको 3 साल का मेजर अपडेट देगा, मतलब जो एंड्रॉइड अपडेट है वो आपको एंड्रॉइड 13, 14, 15 तक यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट किया था बीटा वर्जन के एंड्रॉइड 14 पे, तो यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, मतलब अपडेट करने के बाद एंड्रॉइड 13 ऑक्सीजन ओएस 13.1 पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे मैंने 14 पे अपडेट किया है तो काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है एंड काफी ज्यादा नए फीचर्स भी इसमें आए हुए हैं। तो इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑक्सीजन ओएस 14 का एंड्रॉइड 14 पे, यहाँ पे अलग अलग फीचर्स भी इसके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें नए फीचर्स आए हैं एंड इसकी जो बैटरी बैकअप है एंड ओवरऑल जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे अच्छी यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना।